इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं जब जब यूएस में था, जब पैंडेमिक चल रहा था, तब घर पे बैठे थे, कहीं निकल नहीं सकते थे, तो तब सोचा कि इंडिया में जब मैं यूएस गया उसके पहले ही कर्डलिंग यूएस में बड़ा चलता है, काउ कर्डलिंग बहुत चलता है, तो उसका इसके बारे में कुछ उसके बारे में मतलब मुझे इतना पता है, सच है या कि नहीं, ये सच है, ये सच वो एचएफ जोशी गाय को लाड कर दरवाजा तो लगभग 300-400 वर्ष पुराना खुल रहा है और इस दरवाजे के पीछे आप जिस युवा से मिलेंगे वो युवा है सम्राट डबी और इनका कार्य देशी गो संवर्धन की प्रति भावना बहुत ही सुंदर और अभूतपूर्व है। यूएसए की नौकरी को छोड़कर वापस भारत में आकर कोविड के समय में समझा कि गाय की क्या महत्वता है और देसी घी का क्या महत्व है और अभी एक स्टार्टअप में जितने भी घी पर काम करने वाले पूरे भारतवर्ष में देसी गाय के अच्छे लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़कर उनको एक मार्केट प्लेस देने के लिए जल्द ही एक शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और सम्राट जैसे युवा जो विदेशों में बड़े बड़े पैकेज को छोड़कर वापस भारत में देसी गाय की सेवा में आ रहे हैं, यह एक अभूतपूर्व प्रयास है। मिलते हैं सम्राट से और जानते हैं उनके विचार। हाँ, लेकिन प्लानिंग ऐसा तो नहीं था कि वहीं पर ही रहना है, क्योंकि इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, अगर कुछ करना हो आपको तो इंडिया में बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत कुछ। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखने जाओ तो डेयरी उद्योग, उसमें आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। डेयरी आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमी मतलब सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का पार्ट है, एग्रीकल्चर में 30% जो मिल्क का ही पार्ट है, मतलब जैसे 100 रुपये का प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर में, उसमें 30% दूध ही, इतना बड़ा मार्केट है। और उसमें से अगर आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर तो 5% भी नहीं होगा, अभी तक पूरा अनऑर्गेनाइज है। जैसे बात करते हैं हमारे जोधपुर शहर की, तो 24 लाख लीटर दूध होता है हमारे यहाँ पर टोटल रोज का, 24 लाख। उसमें से जो डेयरी लेती है सरस, अमूल, रिलायंस या ऐसी कोई डेयरी है, तो टोटल 3-4 लाख लीटर से ज़्यादा दूध कलेक्ट नहीं करती है। 20-22 लाख लीटर दूध होता भी है, और मोटरसाइकिल वाले जो होते हैं ना, वो ड्रम रख के वैसे जो डोर टू डोर वैसे होता है, अभी तक ज़रूरत है आप किसी और की। मतलब मैं इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं जब यूएस में था, जब पैंडेमिक चल रहा था, तब घर पे बैठे थे, कहीं निकल नहीं सकते थे, तो तब सोचा कि इंडिया में जब मैं यूएस गया उसके पहले ही मैं सोच रहा था कि डेयरी उद्योग में कुछ करना है। तो जब मैंने सोच लिया ना कि जब इंडिया वापस आना ही है, यहाँ पे रहना नहीं है, तो डेयरी उद्योग के अंदर जो आपने अभी बताया कि दूध जो डोर टू डोर बिक रहा है, सब बेचने जाते हैं, लेकिन कभी कभी जिनको चाहिए प्योर मिलावट के बिना दूध, जिसको चाहिए लेकिन ऑप्शन नहीं होता कि कहाँ से मिले वो, तो जैसे कि आपने बताया कि पोटेंशियल बहुत है कि आप कुछ बनाएं, सोशल मीडिया को भी आप एड्रेस कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं, तो ऐसा मार्केट बहुत है, आप उसमें कुछ कर सकते हैं, तो अभी वही प्लानिंग चल रहा है। काउ कर्डलिंग यूएस में बड़ा चलता है, काउ कर्डलिंग बहुत चलता है, तो इसके बारे में कुछ उसके बारे में मतलब मुझे इतना पता है, सच है या कि नहीं, ये सच है। वो एचएफ जोशी गाय को लाड करते हैं वहाँ पे, उससे भी इनको फर्क पड़ता है। जैसे कि मैं अभी इनके साथ हूँ और ये हमारे यहाँ पे सबसे पुराने, मतलब बोल सकते हैं कि हम गंगा माँ बोलते हैं इनको, ये सबसे पुराने हैं यहाँ पे, तो ये दूध नहीं देते लेकिन हमने इनको सेवा के लिए रखा है। तो इनके साथ जब होता हूँ तो देखिए कैसे मेरे साथ खड़े हैं, कैसे लाड करते हैं, आपको ऐसे चाटते हैं, तो आपको अंदर से सुकून मिलता है ये सब चीज़ों का। इसीलिए ये साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने ये सब रिसर्च किया, तो बताया मतलब उनको पता चला कि जब गाय को आप कडल करते हो तो आपको अंदर से सुकून मिलता है, तो फिर वही वो थेरेपी वहाँ पे चल रही है जो हमारे यहाँ सालों से ही है, जो गाय की सेवा करते हैं उनको सब करने की ज़रूरत ही नहीं थेरेपी की, क्योंकि वो सब हमको पहले से ही पता है। इंसान को धोखा दे सकता है, पर एक जीव होता है वो आपके प्रति निश्चल रहता है। हाँ जी, तो आप जितना प्रेम दोगे उतना प्रेम आपको वो देगा, तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो क्या विचार है आपका इसी डेयरी उद्योग में, ये देशी नस्ल के साथ अच्छा लगता है? बहुत बहुत अच्छा, इसी में ही काम करेंगे, इसी में ही काम करेंगे। तो आप जैसे युवाओं का स्वागत है, धन्यवाद। ठीक है,
सम्राट डाबी और पार्थ डाबी दोनों भाई है और दोनों ही बाहर यूएसए के अंदर और कनाडा से पढ़ाई करी। उसके बाद में एक भाई तो एप्पल में लगा रहा जॉब में और दूसरा भाई भी अच्छी जॉब को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जॉब को छोड़कर फिर से भारत आए और अपने फार्म पर वापस गोमाता से जुड़े। और जो परिवार में गायों के प्रति भावना थी उसको समझते हुए सोचा कि देशी गाय के विषय पर कुछ करना चाहिए। इस पैंडेमिक ने, इस कोरोना ने हमें प्रकृति के साथ जीना सिखाया है और हमें एक चीज़ सिखाई है कि प्रकृति ही सब कुछ है। यहाँ पे इस फार्म में एक सुंदर सी जाफराबादी भैंस भी रखी हुई है और जो मेहसाणा और इस तरह की जो बफेलो है वो भी इन्होंने पाल रखी है। दोस्तों, इन्होंने जो संकल्प लिया है वैसी सोच के साथ बहुत सारे युवा सोचते रह जाते हैं, जीवन निकल जाता है। सम्राट की वो शुभकामनाएँ हैं कि जिस प्रकल्प को उन्होंने शुरू किया है उसमें हम सभी उनके साथ है और पूरे देश में जितने भी घी बनाने वाले लोग हैं अच्छे, उनके सभी को एक प्लेटफॉर्म के साथ जोड़कर और उसके माध्यम से उनकी क्वालिटी की एश्योरेंस देकर सभी मित्रों तक अच्छे प्रोडक्ट पहुँचे और अच्छे घी के उत्पाद पहुँचे। पहले चरण में इस तरह का वेबसाइट का पूरा प्रोजेक्शन और पूरी चीज़ें इन्होंने बना दी है और जल्द ही उसे लॉन्च करेंगे और उसकी लॉन्चिंग और बाकी चीज़ें भी मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगा। तो बहुत सुंदर सा इनका फार्म अहमदाबाद शहर के बिल्कुल पास में और यूएसए से आकर जो सुंदर विचार के साथ इन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया है उसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी मित्रों का समर्थन साथ इसी प्रकार मिलता रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जय गो माता, जय गोपाल।